मध्य प्रदेश के इंदौर में डीआईजी, जिला कलेक्टर, सांसद इंदौर और जनप्रतिनिधि शामिल हुए और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि आने वाले दिनों में और अधिक शक्ति की जाएगी, जिला प्रशासन को पूरे अधिकार दिए गए हैं। इसमें निगम और पुलिस प्रशासन भी साथ रहेंगे। मरीजों की संख्या बढ़ने पर शनिवार तक लॉकडाउन बढ़ने पर चर्चा की गई। कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक यह भी तय किया गया कि कल से आगामी 5 दिनों तक चोइथराम मंडी, निरंजनपुर मंडी के अलावा सिंधी कॉलोनी और जेल रोड को बंद रखा जाएगा और 56 दुकान पर भी टेक अवे की अनुमति नहीं रहेगी, सिर्फ होम डिलीवरी को ही परमिशन देंगे। मार्केट में दुकानें भी एक एक साइड ही खुलेगी। ऑड इवन सिस्टम की जगह रात्रि कर्फ्यू का पालन रात 8 बजे से सख्ती से कराया जाएगा। राजनीतिक आयोजनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न लगाने पर कार्यवाही की जाएगी। इंदौर ब्यूरो के साथ मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। लगातार पेशेंट की जो मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है उसको लेके पूरी आपदा प्रबंध समिति चिंतित थी और उसको लेके जिस प्रकार कल सभी संबंधित डॉक्टर, चाहे वो मेडिकल एसोसिएशन हो, चाहे हमारी डॉक्टर की फैकल्टी हो, MIQ हो, CMHO हो, डीन हो, उन सबसे जो बात हुई थी, संभागायुक्त जी खुद स्वयं थे और हम सब थे, उसमें जो उन्होंने चिंता व्यक्त की थी उसको लेकर आज प्रबंध समिति की, आपदा प्रबंध समिति की बैठक हुई थी और उसमें वो सब चीज़ों को जिला प्रशासन ने सबके सामने रखा और सबने ये निर्णय लिया कि आने वाले दिनों में हम थोड़ी सख्ती करें, क्योंकि कुछ लोगों के कारण बहुत सारे लोगों को इस बीमारी से प्रभावित होते हैं, तो कुछ लोगों के कारण समाज में नुकसान नहीं होना चाहिए, इसको लेके सबकी सहमति थी कि कुछ सख्ती होना चाहिए। और सख्ती किस प्रकार से हो, जिला प्रशासन को हमने पूरे अधिकार दिए हैं कि जो इस चीज़ों को वायलेट करे, चाहे वो मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंस नहीं करे या जो आवश्यक निर्देश सैनिटाइजेशन का ऑफिस हो, घर हो, जो बोला गया है उसमें अगर नहीं करे तो वो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। इसमें जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम और पुलिस प्रशासन भी उसका सहयोग करेगा ताकि जो आने वाले समय में जो हमें डर है उस डर को ध्यान में रखते हुए ये सख्ती की जा रही है। समय में 1 घंटा की कटौती की गई है, अब 8 बजे बंद करने की बात कही गई है। दूसरा, जो कचौरी, समोसे और नाश्ते की दुकानों पर भीड़ लगती है उसका समय 12 बजे तक किया गया है, जो कि पूरा दिन के तक था। सवेरे नाश्ते का समय सवेरे रहेगा। सब्जी मंडी को लेकर जिला प्रशासन बात कर रहा है कि अगर सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में जिस प्रकार के स्थितियां बन रही है, अगर वो नियंत्रण में नहीं हुई तो हमें उस पर भी विचार करना पड़ सकता है। एक बात ये भी ध्यान में है कि शहर में कुछ फार्म हाउस हो या होटल हो, उसमें पार्टियां हो रही है, उसको भी अब प्रशासन देखेगा। अगर कहीं इस प्रकार की अनधिकृत पार्टियाँ चाहे होटल में हो चाहे फार्म हाउस में अगर होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हम सब ने भी तय करा कि हम सब जनप्रतिनिधि इस बातों का ध्यान रखेंगे और हम नीचे तक, हमारे चाहे कोई से भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, दोनों पार्टी के अध्यक्ष यहाँ थे, उन्होंने भी कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं को भी ये बात कहेंगे कि क्षेत्र में सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर जन जागरण अभियान में हम सब साथ दें और इस कोरोना की लड़ाई में सबको मिलकर लड़ना है, इसको हराना है, तो इसमें जनता का भी साथ लगेगा और सभी का इसमें साथ लगेगा। अभी लॉकडाउन की बात नहीं है, अभी सख्ती की बात हुई है और अगर आवश्यक हुआ और केसेस ज़्यादा बढ़े तो हम फिर एक बार बैठ के इस पर निर्णय लेंगे लॉकडाउन की। पिछली बार जब देखिए मैसेज तो चला नहीं था, जो मैंने कल भी कहा था, जो वो जो हुआ था फर्जी वायरल हुआ था, हमने कहीं नहीं बोला था, ना जिलाधीश महोदय ने बोला था, ना हमने बोला था। हमने बोला अगर स्थितियाँ बिगड़ी तो हम विचार किया जा सकता है, वो आज भी बोल रहे हैं अगर स्थितियाँ बिगड़ी तो लॉकडाउन की विचार किया जा सकता है। मैंने अभी यही बोला कि संबंधित TI CSP और SDM बैठक लेंगे और संबंधित जो एसोसिएशन के पदाधिकारी उनको बुलाया जाएगा और अगर कोई भी इसमें वायलेंस करेगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कानूनी की जाएगी। मैंने बोला की पुलिस व्यापारियों से 100 से लेकर 500 रुपये तक वसूल रही है और दुकानों में भीड़ हो रही है। आज हमने पुलिस प्रशासन से भी कहा है, नगर निगम से भी कहा है, वो भी इस अभियान में सहयोग करेंगे। हमारा कहना है कि हमारा मकसद किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, दंड देना नहीं है, लेकिन किसी के कारण अगर समाज में, शहर में कोरोना बढ़ता है तो उसको तुरंत सख्त कार्रवाई से रोकेंगे। एक घंटे कम करा ना हमने, व्यापार का समय जो 9 था वो 8 कर दिया। जिस तरह से सख्ती बढ़ाने की बात की गई है, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल जो हर जगह भीड़ लगा के रहते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रचार हो रहा है, उस पे कुछ एक्शन लिया जाएगा? आज हमने सभी से कहा है और प्रशासन से भी क्लियर कहा है कि आप कोई भी अगर इसको वायलेंस करें
तो आप नियम अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। सार्वजनिक सहमति से तय की गई। हम जानते हैं कि इंदौर में पिछले दिनों अप्रैल और मई में काफ़ी सख्ती की गई थी, जिसका परिणाम हुआ कि यहाँ पर संक्रमण की दर काफ़ी कम हुई है। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि इस बेहतर स्थिति को देखते हुए हम थोड़े से लापरवाह भी हो गए हैं। कई इलाकों में, कई गांवों में इस तरह की संख्या बढ़ती हुई दिखी है। जैसे कि जिक्र करें तो देपालपुर के गाँव में एक गाँव से लगभग 25 से ज़्यादा लोग निकले हैं। सांबेर के गाँव में इसी तरीके से लोग निकले हैं। पाया गया कि एक व्यक्ति की फिर लापरवाही से पूरे इलाके में ये चीज़ें फैल रही हैं। इन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई और इस बात पर ध्यान दिया गया कि न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता बढ़ाई जाए, लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाए, इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि जो सुरक्षा के जो नियम हैं, जैसे कि हर जो संस्था है वहाँ पर सैनिटाइजर जरूर हो, हर व्यक्ति मास्क जरूर पहने, इन जो मौलिक मुद्दे हैं, जो आधारभूत मुद्दे हैं, इसको लेकर के जागरूक किया जाए। दुकानें जो हैं अब प्रतिदिन 8 बजे तक बंद की जाएँ, 8 बजे के बाद काफ़ी सख्ती से बंद रहेंगी और 9 बजे के बाद कर्फ्यू का पूर्णतः सख्ती से पालन कराया जाए। हर रविवार को ये तय किया गया है कि जो बंद होगी पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, इसमें किसी भी तरह के वाहन, किसी भी तरह की दुकानें नहीं चलेंगी, नहीं खुलेंगी और पूरी तरह से ये सख्ती से प्रतिबंध जारी रहेगा। दुकानों के जहाँ तक बंद होने की बात है, अब बंद के लिए तय किया गया कि ऑड इवेन के बजाय अब सड़क के एक तरफ, दाएं या बाईं तरफ एक तरफ की दुकानों को खोला जाएगा। ये व्यवहारिक रूप से पालन कराने के दृष्टिकोण से ज़्यादा व्यवहारिक है, क्योंकि अगर ऑड इवेन में तय कर पाना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई एक तरफ की दिशा तय है तो दूसरी तरफ अगर कोई दुकान खोलेगी तो सख्ती से कार्रवाई की जा सकती है। इन सारे मुद्दों को लेकर के की गई है। साथ ही साथ हमसे हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि जो आधारभूत जो चीज़ें हैं जिनको दोहराई जा रही हैं, उनका हम सख्ती से पालन करें। इसमें मास्क और इन चीज़ों को पहनने को लेकर के अब पुलिस को भी, इसमें जगह जगह पुलिस भी कार्रवाई करेगी। मुख्यतः मास्क के मामले में संस्थानों में सैनिटाइजर अगर जहाँ पे अनिवार्य किया गया, वहाँ पर अगर कोई नहीं रखता है, उनके मामले में इन चीज़ों का पालन करने का उद्देश्य है कि हमारे जो ये लड़ने की, जो लड़ाई लड़ने की जो पूरी रणनीति है, ये पूरी तरह धारदार रहे, हम आगे बढ़ें और सब मिलजुल करके इस युद्ध में, इस आगे जो लड़ाई है इसमें आगे बढ़ें और मजबूती से इसमें आगे की तरफ बढ़कर इसमें विजय हों। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।